यहाँ पर भी हमने एक महफिल सजाई हुई है, हमारे साथ साइमा भी मौजूद हैं और हम ईद के हवाले से चिट चैट कर रहे हैं कि रमज़ान कैसे गुजरे, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो रमज़ान में जो हमारी रूटीन स्टार्ट होती है और फिर जिस तरह हम रोज़े भी रखते हैं और वो जो रूहानियत से एक ताल्लुक बनता है उसको हम कंटिन्यू किस तरह से रख सकते हैं, और फिर ईद की जो गहमा गहमी है, जो खुशियाँ, वो तो ऑब्वियसली आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग भी सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उम्मीद है कि ईदी भी कहीं ना कहीं जमा करना शुरू कर दी होगी क्योंकि आज पहला दिन है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ईद के तीन दिन ही हम ईदी लेते हैं, हम ईदी लेते ही चले जाते हैं, वो जो पूरा हफ्ता होता है स्टार्टिंग का, तो जिससे भी मिल रहे होते हैं, जो घर आ रहे होते हैं, रिश्तेदार या हम कहीं जा रहे होते हैं, तो वो ईद का ही एक माहौल होता है और सब ईदी ले रहे होते हैं। तो हम साइमा हमारे साथ मौजूद हैं, साइमा से भी पूछते हैं। साइमा आप बताएं कि ईदी का क्या मामला रहता है, देती हैं लेती हैं, अब भी कुछ आता है पल्ले या बिल्कुल, बस सब कुछ चला जाता नहीं, है? नहीं 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 अरीबा, अभी भी बड़े भाई बहन और मामा पापा तो है नहीं खैर, लेकिन वो ईदी देते हैं, अभी भी देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें देनी पड़ती है भाइयों के बच्चों को और जो कज़न्स के बच्चे सब आके वो सबसे पहला सवाल ईदी, तो वो देना भी पड़ती है, मतलब आती कम है अब जाती ज़्यादा है, लेकिन वही वाली बात है ना, ईद का मौका है और यही खुशी होती है क्योंकि जाहिर है ईद हमारे लिए अल्लाह पाक की जानिब से एक तोहफा है, तो इसमें तो इन्जॉय करना चाहिए। करूंगी कि जो बच्चे हैं अब देते हुए खुशी भी तो महसूस होती है ना, बिल्कुल, कि चले बच्चे हैं वो आते हैं, इवन मेरे भी भांजे हैं, दो भांजे हैं, तो मैं भी उनको देती हूँ तो वो सारी कसर पूरी कर लेते हैं। सही, वो कहते हैं कि अच्छा, ये भी चाहिए, एक वो भी सवाल, चाहिए। एक सवाल, वो बचपन में एक नहीं अम्मियाँ कहती थी कि वो संभाल के रखना ईदी, हाँ खो जाएगी मुझे दे देना, वो हुआ आपके साथ? वो ईदी जो है ना, वो जो पैसे जमा करवाए थे वो आज तक मिले नहीं है, उनका नहीं पता होता वो जाते कहाँ हैं पैसे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत चलाक हैं सायमा, आजकल के बच्चे जमा नहीं करवाते, हमने तो पता नहीं कितने पैसे जमा करवा दिए और वो कहीं ना कहीं अकाउंट में सेफ भी होंगे अम्मा के हमारे, आपको लगता है अभी भी वो अकाउंट में सेफ होंगे? हमारे लिए तो हम यही सोच के खुश हो जाते हैं कि जितनी भी ईदी होती थी हम दे दिया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे फौरन खर्च कर देते हैं। अभी आप देखें ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं मुख्तलिफ खिलौने जाद हो जाते हैं, बिल्कुल, जिस तरह वो गन चलती वो है, पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हैं ना कि हमने लेना इसका क्या, ये है, ये लेना कितनी ईदी जमा होगी, हमने क्या क्या चीजें खानी है, हमने कहाँ पर घूमने जाना है, और फिर हमने कौन कौन से खिलौने नए लेने। सही, तो ईद के बाद आप देखती है कोई ना कोई खिलौने का एक ट्रेंड ऐसा चल जाता है की हर बच्चे के पास आपको वो मिलेगा। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा चले ठीक है, बच्चों की भी बात हो गई, अब ये बताएं आप अपनी ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? जाहिर है ऑफिस से जाने के बाद जो टाइम आपका बचता है, अमूमन ईद पे बहुत ज़्यादा हमें नींद आती है, आपका भी वही है सीन की नींद आती है या कहीं फिर मामा कहती हैं कि चलें भाई कहीं चलते हैं अब घूमने? अच्छा कुछ इस तरह होता है क्योंकि गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं तो उन्हें तो जाहिर है फिर आपको रिसीव करना पड़ता है और सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जैसी मौका मिलता है ना, मौके की तलाश में तो हम रहते ही हैं कि रात पूरी गुजार ली, अब ऑफिस भी चले गए, वहाँ पे भी काम कर लिया, जब घर पे आए तो सोने का मौका तो मिले ना, बिल्कुल, तो आराम हम सबसे भी करें। ज्यादा किल्लत रमजान में और ऑफिस के स्केड्यूल की वजह से हमारी नींद की होती है, ऐसे ही तो नींद का तो शदीद बहरान चल रहा है इस टाइम, बिल्कुल चल रहा होता है, लेकिन फिर ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिलता है सो भी जाते हैं, फिर रात का ऐसा टाइम होता है कि सब घर पे होते हैं, गैदरिंग वाला माहौल बना होता है, तो फिर कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए चले गए, या फिर बच्चों की फरमाइशें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि सायमा इन ये जो चार दिन है हमें इनको अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहिए ना, और फिर यही खुशियों के मौके, आपको पता है कि हम तो वैसे ही न्यूज़ एंकर हैं और दीगर चीज़ें, न्यूज़ पर हमारी काफ़ी गहरी नज़र रहती है, तो परेशानी टेंशन बहुत हैं इस माशरे में, सही बात, तो हम वैसे भी खुशियां तलाश कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ से कोई खुशी मिले तो हम सेलिब्रेट करें, तो ये कोशिश होती है कि चलें नींदें बाद में पूरी हो जाएंगी। और तो मतलब पहले दिन आप कहीं जाती हैं या सेकंड डे और थर्ड डे पे रखती हैं कि चलें जी आज तो नहीं जाती है, मेरी तरह है, मतलब आपके नहीं भाई आज सो के गुजारेंगे, ऑफिस में आके सबसे ईदी मिली, तैयार हो गए, पिक्चर्स ले ली, अपलोड हो गए, वो सारे शौक पूरे हो जाते हैं, घर पे जाके फिर हम वो जो घरेलू खातून वो जो बनते हैं कि कोई आ रहा है तो उन्हें रिसीव करो, तो वो सारी चीजें, कितने भी थके हुए हो हमने वो थोड़ा सा वो किचन का रुख करना है, वरना मामा की तरफ से वो आती है गुस्से वाली नजर आती है, कुछ काम भी कर लो अब। और फिर अगर आपको आता हो ना किचन का काम तो बहुत सारी चीजें आप पर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं कि आंखें में। अच्छा आप ईद पे क्या बनाती है ये बताएं मुझे, कुछ स्पेशल समथिंग? हाँ अभी देखे ना, जिस तरह ईद अभी आई नहीं थी तो तीन चार दिन पहले से ये हो रहा था कि भाई बनाना क्या है, कुछ स्पेशल क्या बनाना है, क्योंकि दो तीन चीजें तो मैंने आपको बताया कि जैसे बिरयानी की डिश है वो तो बनती बनती है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कि वो वाली बनी थी अब कौन सी बननी है, अब क्या क्या चीजें हैं उसमें,
और फिर मीठे में तो शीर खोरमा होता अच्छा, है। अच्छा अरीबा, शीर खोरमा भी डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब हम किसी भी घर में जाएं, अपने ही खाला की या किसी के, वो कोई रबड़ी डाल के बना रहा होता है, कोई बर्फी डाल के, मतलब सबका एक यूनिक टेस्ट होता है। अभी देखें, अभी हमने बैठ के शो करना है और अभी आगे भी चलेगा, तो थोड़ा कंट्रोल रखें।